कौन है निशा बांगरे? एमपी में विधानसभा चुनाव के बीच क्यों सुर्खियों में है निशा बांगरे का नाम? राजनीति से निशा बांगरे का क्या रिश्ता है? कांग्रेस के गले की हड्डी क्यों बनी है निशा बांगरे? कांग्रेस को क्यों आंख दिखा रही है निशा बांगरे? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी टक्कर के बीच एक ऐसी महिला सुर्खियों में है जो प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आना चाहती है। हम बात कर रहे हैं निशा बांगरे की। जिला कलेक्टर की नौकरी छोड़कर निशा बांगरे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहती थी। ऐसे में सवाल उठता है, महिला नारी शक्ति का नारा देने वाली कांग्रेस निशा को अपनी प्रत्याशी बनाने में क्यों दिक्कत महसूस कर रही है? आइए जानते हैं पहले निशा बांगरे से जुड़ा विवाद, नौकरी से इस्तीफा देने की वजह, सरकार और कोर्ट से नाता। दरअसल 2 मई 2023 में निशा बांगरे ने इस्तीफा देकर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया। इस्तीफे की वजह बताई थी कि घर के गृह प्रवेश में जाने की इजाजत नहीं मिली, छुट्टी मंजूर नहीं हुई, इसलिए निशा बांगरे ने कुछ भी बिना सोचे समझे इस्तीफा दे दिया, घर के कार्यक्रम में चली गई। इसके बाद निशा बांगरे ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि अपने साथ हुए अन्याय की लड़ाई के लिए वो राजनीति ज्वाइन करेंगी। निशा बांगरे के ऐलान के बाद जांच के नाम पर सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इसके बाद निशा बांगरे कोर्ट की शरण में चली गई। कोर्ट के आदेश के बाद 23 अक्टूबर की रात राज्य सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। निशा बांगरे करियर में चौथी बार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद निशा बांगरे ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनसे टिकट का वादा किया था। उन्होंने उन्हें भरोसा दिया कि मैं अंतिम के 2 दिनों तक इंतजार करूंगा। उससे पहले कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार की घोषणा कर दी। एक बातचीत में निशा बांगरे ने बताया कि वो चुनाव लड़ेंगी। 25 अक्टूबर की शाम निशा बांगरे ने कमलनाथ से मुलाकात की, साथ ही आमला विधानसभा सीट को लेकर उनका स्टैंड जाना। सुरजेवाला ने भरोसा दिया है। दरअसल इस्तीफे के बाद सरकार से निशा बांगरे आर पार की लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान कांग्रेस ने उनका साथ दिया। निशा बांगरे ने टिकट को लेकर एमपी चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से फोन पर बातचीत की। पूर्व डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि हमने शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचा दी है। निशा बांगरे ने कहा कि कांग्रेस अगर जल्द फैसला नहीं लेती है तो मैं 1-2 दिनों के अंदर नॉमिनेशन फाइल करूंगी। निशा बांगरे और कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसके बाद मैंने राजनीति में आने का फैसला किया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं। वहीं बीजेपी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर कांग्रेस मना करती है तो मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। तो मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर निशा बांगरे डीएसपी बनी थी। पूर्व डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग के बाद गुरुग्राम स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। इस दौरान सिविल सेवा की तैयारी करती थी। 2016 में एमपी में वो डीएसपी बन गई। पुलिस की नौकरी में भी निशा बांगरे का मन नहीं लगा। 2017 में उनका चयन एमपी में ही डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में हुआ। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनकी तैनाती भी रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।